45 आवर्स की लंबी ट्रेन जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने फ्लैट में। तो यहाँ पे नीचे ओनर रहता है और ऊपर हमने किराए पर लिया है। फ्लैट बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक तो मस्त है नो डाउट, बट यहाँ पे जो सामान है उसको देखकर सर चकरा रहा है हमारा। तो हमने ना ओनर को की दे दी थी कि जब भी हमारा सामान आएगा तो वो रखवा लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने जो है क्लीनिंग भी करवा दी थी। बट यहाँ पे जो है ये फ्लैट ओपन एरिया में है तो इतनी ज़्यादा हवा चलती है तो डस्ट फिर से आ जाते हैं। तो भाई जब हम फ्लैट में एंटर किया तो ना एकदम से सर चकरा गया था, इतना सारा सामान जब पैक किया तो हो गया था 3-4 घंटे में, बट जब अब इसको सेट कर रहे हैं ना तो ये डबल हो गया था सामान। और हस्बैंड यहाँ पे लगे हुए हैं मोटा मोटा सामान सेट करने में और मैं यहाँ लगी हुई हूँ किचन में, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले से ही कुछ काम जो करते हैं तो उसको पहले से ही प्लान करना चाहिए। तो मैंने भी इस बार ऐसा ही किया था, मैंने ये जितने भी डिब्बे आप देख रहे हो ना अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के फिर मैंने ये कार्टून बॉक्स में रखे थे, मैंने ही रखवाए थे इनफैक्ट। और ट्रैश डी तो देखिए कोई एक डिब्बा खुला रह गया होगा, वो भी लाल मिर्च पाउडर का, और मेरे सारे डिब्बे जो है ख़राब हो गए तो मुझे दोबारा वॉश करने पड़े। और उससे भी बड़ी ट्रैजडी एक दूसरे कार्टून बॉक्स में घी लीक हो गया तो वो भी सारे बर्तन चिकने हो गए थे। और भाई सच बताऊँ फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में ये आया कि काश मैं ससुराल ही रह जाती सास के पास, तो एक बार में ना पूरी ज़िंदगी भर अपने सेट हो जाते ना, बच्चे परेशान होते। क्योंकि 2 महीने ही पहले हमारी पोस्टिंग आई थी, वहाँ पे मैंने मुश्किल से सामान ही सेट किया था कि फिर से सुनने को मिला कि पोस्टिंग आ गई। और भाई काम करते करते सच बताऊँ मैं गई थी बुरी तरह थक, मेरा हाल हो गया था बेहाल। फिर मुझे याद आई मेरी एनर्जी ड्रिंक और मैंने फटाफट हस्बैंड को भेजा शॉप पर एक दूध की थैली लाने और अपने 2 बिस्किट के पैकेट मंगवाए। और भाई पी के और हम हो गए थे फुल एनर्जेटिक, और उसके बाद फिर से लग गए थे मिशन पर। बट ये मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला था। ये देखो मेरे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू ये भी हमारी हेल्प करवा रहे थे जितनी इनसे बन रही थी, बट लगे हुए थे हमारे साथ। और फाइनली बेड तो हमने सेट कर दिया था, बेड काफ़ी हैवी था तो पूरा इसमें जितने भी कपड़े वगैरह जो भी सामान रखा था सारा सामान बाहर निकाला और उसके बाद दोबारा सामान जचाया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत का काम ये था। और अभी किचन का काम तो आज होगा नहीं, बट मैंने यूँ है मोटा मोटा कर दिया था। उसके बाद जो है हम रात को गए डिनर पर, इनके एक फ्रेंड ने हमें डिनर पर इनवाइट किया था। और इन्होंने खाने में बनाया था छोले पनीर पूरी राइस और खीर, जो कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, आई मस्ट अप्रिशिएट। और उसके बाद जो है देखो मेरे पुन्नू को भी अपना एक फ्रेंड मिल गया था और बहुत देर तक वो उसके साथ खेला और हमने भी काफ़ी गप्पे शप्पे लड़ाए। और उसके बाद जो है हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद जो है मैंने फ्रिज साफ़ किया क्योंकि दूध वगैरह रखना था, तो ये मैं रात को ही जो है फ्रिज साफ़ करके सोई थी। और किचन इतनी जल्दी साफ़ होने वाली नहीं थी, बट यूँ है कि थोड़ा ऐसा कर दिया था कि नेक्स्ट डे खाना बन सके। और ये देखिए फ्रिज बिल्कुल यहाँ पे चकाचक हो गया था। और इसी बीच जो है जियो फाइबर वाले भैया भी आ गए थे क्योंकि नेट भी लगवाना था। इसके अलावा दूसरे काम भी पेंडिंग है, जैसे कि बच्चों का एडमिशन करवाना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो भाई और भी जो दूसरे बहुत सारे काम हैं तो अभी नेक्स्ट कुछ दिन तो जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट मैंने कैसे भी करके टाइम निकाला और अपना वीडियो शूट कर लिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।